हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको फ्लावर डिस्क्राइब करने के लिए जो हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं वो सारी टर्म्स पढ़ाने वाली हूँ। तो क्योंकि फैमिली डिस्क्राइब जब आप करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, तो उसके लिए आपको ये सब करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, जब हम एक फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारा टॉपिक है फ्लावर। We have to describe flower in semi-technical term. So ये है आपका flower description. देखो, जब हम एक flower को describe करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं flower में, we look for the स्टॉक ऑफ अ फ्लावर। हम फ्लावर का स्टॉक देखते हैं और स्टॉक ऊपर जाके थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। तो स्वोलन बेस ऑफ द फ्लावर, जो स्टॉक होता है वो स्वेल कर जाता है। तो वी हैव, दिस इज स्वोलन बेस ऑफ अ फ्लावर। तो इस स्वोलन बेस ऑफ फ्लावर को आप क्या कहते हैं, दिस इज thalamus, or we also call it what is receptacle. This is receptacle. We also call it what is receptacle. ठीक है? अच्छा, इस swollen base के ऊपर अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा इस तरह से ये swell करता है, इसको हम कहते हैं swollen base, receptacle. ठीक है? फिर इसके बाद next word जो आता है, that is called what is the group of petals, group of sepals, और group of sepals को आप कहते हैं calyx। ये आपके आ गया calyx, और इसको आप इसके लिए symbol use करते हैं K, और calyx में हम क्या count करते हैं, number of sepals। और अगर sepals हमारी क्या है, sepals का arrangement two types से हो सकता है। अगर sepals क्या है, सब आपस में joint हैं, if they are joint, हम क्या कहते हैं, gamosepals, we use the word gamosepals, gamosepals. If they are free from each other, तो हम कहते हैं इसको polysepals, polysepals, polysepals. अगर देखो, हमने gamo and poly वर्ड क्या करें, यूज करें। अब हमें नंबर ऑफ सेपल्स काउंट करनी पड़ती है। अगर हमारी ये सेपल्स कितनी है, फोर है, एंड दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, तो हम सिंबल यूज करेंगे के फोर, जैसे मैंने लिख दिया ये के फोर। इफ दे आर जॉइंट टुगेदर तो हम लिखेंगे के फोर, और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। सो दिस इज व्हाट गैमो सेपल्स कंडीशन। अच्छा, अब इसके बाद आया हमारा कॉल, नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट इज कोरोला। ये आया हमारा, दिस इज कोरोला। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं सी। अगेन इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पेटल्स, ये हमने देखा नंबर ऑफ पेटल्स। और इफ दे आर जॉइंट, सपोज दे आर फाइव और दे आर नॉट जॉइंट, तो हम कहेंगे पॉली पेटल्स, और इफ दे आर जॉइंट तो हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम, और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ये मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है। इसमें हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्टेमेंस, हमारे स्टेमेंस कितने हैं, और स्टेमेंस की अरेंजमेंट क्या है, क्या उनकी कंडीशन है, वो कितने ग्रुप में है। अगर नंबर ऑफ स्टेमेंस देखा और हमको देखते हैं, देखना है इफ दे आर इन वन ग्रुप, सारे मिलके एक ट्यूब बना दिया उन्होंने, इफ दे आर इन वन ग्रुप और दे फॉर्म अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब, उन्होंने इस तरह से मिलके एक स्टेमिनल ट्यूब, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दिया, और दे आर इन वन ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट इज मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस। ठीक है,
अच्छा, और इफ दे आर इन टू ग्रुप, अगर ये टू ग्रुप्स में प्रेजेंट है, टू ग्रुप्स में, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डाइएडल्फस. दिस इज विच कंडीशन? डाइएडल्फस. जैसे कि नाइन टुगेदर वन सेपरेट. देखो चाइना रोज में आपने ये बहुत देखा होगा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिस इज वॉट चाइना रोज. चाइना रोज में और डायडल्फस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका क्या? पी प्लांट. कभी कभी आपने देखा होगा दे आर इन मैनी ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एडल्फस. पॉली एडल्फस. और पॉली एडल्फस का एग्जाम्पल है आपके सिट्रस में आप देखो, ग्रासेस में आप देखो, और ये आपको क्या मिलेंगे? पॉलीएडल्फस. ठीक है, तो हमने क्या करा कि स्वोलन बेस क्या है, कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को कैसे, एंड्रोशियम को कैसे, और एंड्रोशियम की हमारी डिफरेंट कंडीशन. अच्छा, अब आप देखिए द नेक्स्ट शुड बी व्हाट? द गाइनोशियम. गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये गाइनोशियम क्या है? ये एक क्या है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये. मेल रिप्रोडक्शन इसको हम दिस सिंबल इसके लिए यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? गाइनोशियम. गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से. यहाँ पे हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ओवरी हमारी सुपीरियर है, इंफीरियर है या हाफ इंफीरियर है. इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगी. तो और पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे हम फ्लावर को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, पर इस वक्त मैं आपको सिर्फ गाइनोशियम बता रही हूँ. गाइनोशियम में हमें देखना होता है नंबर वन कि ओवरी जो है, दिस ओवरी इज सुपीरियर. सुपीरियर. सुपीरियर का मतलब है कि वो सारे ऑर्गन से ऊपर है, सारे ऑर्गन उसके बेस से निकल रहे हैं. सुपीरियर. अगर सुपीरियर ओवरी है तो मैं लिखूंगी इस जी और स्पॉन्डल लाइन करूंगी. ठीक है, ओवरी कैन बी, दिस ओवरी कैन बी इंफीरियर. ये इंफीरियर ओवरी भी हो सकती है, तो मैं जी और लाइन उसके ऊपर करूंगी. देन आई हैव टू सी नंबर ऑफ कार्पल. नंबर ऑफ कार्पल, आपको पता है कि कार्पल इज अ यूनिट ऑफ गाइनोशियम. नंबर ऑफ कार्पल्स, हमें नंबर ऑफ कार्पल्स जितने भी हैं, बायलॉग 2, 3, 4, 5 वो मेंशन करना है. फिर कार्पल्स जो है हमारी, कार्पल्स इफ दे आर जॉइंट, सारे कार्पल आपस में जॉइंट हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सिनकार्पस. कौन सी ओवरी है हमारी? सिनकार्पस. इफ कार्पल्स हमारी, अगर हमारी कार्पल्स क्या है? फ्री हैं, तो हम वर्ड यूज करते हैं एपोकार्पस. दिस इज एपोकार्पस. देखो सिनकार्पस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको पता है पेपरवर्क. पेपरवर्क सोमिनिफेरम और एपोकार्पस में आपका एग्जाम्पल है चाइना रोज. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंट टाइप्स की हमारी क्या है? ओवरी. और व्हाट सिंबल डू वी यूज? और ओवरी में हमने पढ़ा कि कितनी कार्पल्स हैं, आर दे जॉइंट टुगेदर और आर दे फ्री फ्रॉम ईच अदर. तो ये हमारे सिंबल हैं. ठीक है, अच्छा, लास्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज बहुत पढ़नी पड़ती है. जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हमें इस चीज को मेंशन करना है, विच इज कॉल्ड, व्हाट इज? प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन. अब ये प्लेसेंटेशन क्या होती है बच्चों? प्लेसेंटेशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा. कि हाउ द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इनसाइड द ओवरी. क्योंकि प्लेसेंटा क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. किसको? ओव्यूल को. तो प्लेसेंटेशन मेनली कितने टाइप की है ये मैं आपके लिए लिखती हूँ और इसके छोटा छोटा मैं आपके लिए फिगर बनाती हूँ. सबसे पहली प्लेसेंटेशन, सबसे सिंपल इज व्हाट? मार्जिनल.
मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में अगर आप देखेंगे क्या है, मैं इसके लिए फिगर बनाती हूँ आपके लिए. मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज मेनली यू कैन फाउंड इन व्हाट, पी, पी में आपको दिखाई देगी. पी में इसकी वेंट्रल मार्जिन के ऊपर ऑन द वेंट्रल सूचर, यहाँ पे आपको ओव्यूल्स कहाँ दिखाई देंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल मार्जिन, वेंट्रल सूचर. ये वेंट्रल सूचर में आपको क्या प्रेजेंट है, दीज आर व्हाट, ओव्यूल्स. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पी. फाइन, अब आपकी सेकेंड टाइप की प्लेसेंटेशन है, सेकेंड इज व्हाट, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन. दिस इज व्हाट, सेकेंड काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन. अब इस प्लेसेंटेशन में देखो, ओवरी जो है मल्टीलोक्यूलर, इसमें मैं कोई स्पेशल एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, तो मल्टीलोक्यूलर, इट कैन बी बायलोक्यूलर ट्राई, एंड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर. यहाँ पे सेंटर में एक्सिस से ओव्यूल क्या है, अटैच्ड है, ठीक है. और इसका एग्जाम्पल जो है एक्साइल प्लेसेंटेशन का आप दे सकते हैं टोमेटो. एग्जाम्पल इज व्हाट, ये आपका टोमेटो इसका एग्जाम्पल है, चिलीज है. सो दीज आर द एग्जाम्पल. द थर्ड काइंड ऑफ अ प्लेसेंटेशन इज व्हाट, पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन. पेराइटल प्लेसेंटेशन, और पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या है, एज अ नेम इंडिकेट, सी दिस ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी और ऑन द इनर मार्जिन ऑफ व्हाट, द वॉल ऑफ ओवरी. समटाइम यू हैव, यू मे हैव फॉल्स सेप्टम, कभी कभी इसमें जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड में एक फॉल्स सेप्टम होता है इसके अंदर इस तरीके से, और ये ओव्यूल है, देयर इज अ फॉल्स सेप्टम आल्सो. और ये ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, ऑन व्हाट, इनर वॉल ऑफ ओवरी, इनर वॉल ऑफ ओवरी में प्रेजेंट है. दिस इज विच प्रेजेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मस्टर्ड. यू हैव मस्टर्ड, यू हैव आर्जिमोन, आर्जिमोन मैक्सिकाना, जो कि एक वीट है. फाइन, देन फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज योर फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में द ओव्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट एट द सेंटर, बट सेंटर इज फ्री. देख रहे हैं आप, वॉट इज फ्री, द सेंटर इज फ्री एंड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस. एंड इसका हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है डायंथस. यू हैव व्हाट, डायंथस, यू हैव प्राइम रोज, प्राइम रोज. दीज आर टू एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा याद करने हैं. नाउ लास्ट ऑफ ऑल देर इज वन मोर प्लेसेंटेशन. दिस इज नंबर 5, विच इज कॉल्ड बेसल प्लेसेंटेशन. बेसल प्लेसेंटेशन में क्या है, दिस इज द ओवरी एंड द ओव्यूल इज प्रेजेंट, वन सिंगल ओव्यूल जस्ट ऑन द बेस ऑफ द ओवरी, एंड दिस वन सिंगल ओव्यूल ऑन द बेस ऑफ द ओवरी, एंड ये ओवरी का बेस है और ये क्या है आपका ओव्यूल. और इसका एग्जाम्पल है मारीगोल्ड. दिस इज मारीगोल्ड. यू हैव सनफ्लावर. सो दीज आर द एग्जाम्पल. तो देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ इसको. प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द मार्जिन ऑफ, ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी थ्रू अ स्पेशल टिश्यू विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा. कितने टाइप का है, नंबर 1 इज मार्जिनल, इसका एग्जाम्पल है पी. नंबर 2 इज एक्साइल, सेंटर में है, इसका एग्जाम्पल टमाटो. 3 इज पेराइटल, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन. 4th इज फ्री सेंट्रल, सेंटर इज फ्री एंड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट अराउंड इट. द एग्जाम्पल इज डायंथस एंड प्राइम रोज. बेसल प्लेसेंटेशन और सिंगल लार्ज ओव्यूल प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी, एग्जाम्पल इज
मैरीगोल्ड। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आप टर्म्स क्या क्या यूज करते हैं जब एक फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो आई होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।